हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ बीवीपी सीईटी एमएस बीएससी के बारे में। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना रहता है, उसमें आपको टाइप करना है BVP MSCET BSC Nursing 2023 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहां पर आपको BVP से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं, आप यहां पे न्यू टैब में ओपन हो गए हैं। यहां पे दिया गया है BVP CET BSC Nursing 2023 एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म आ गया जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईस्ट क्वालिफिकेशन, देन आपको कैटेगरी काउंसलर में क्लिक करना होता है। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पे आपको क्लिक किया टू एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे एंड देन वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन दी रहती है, जैसे कि एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन दी रहती है। देन क्लिक किया टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो गया। यहाँ पे अपना आपको अपना रजिस्ट्रेशन पहले करना रहता है, फिर आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन एंड फिर आपको अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना रहता है। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, एज क्वालिफिकेशन, देन आपको कैटेगरी काउंसलर में क्लिक करना होगा। एंड उसके बाद आपको जो है अपना पेरेंट्स का इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उन पेरेंट्स का नेम क्या है, जैसे मदर का नेम क्या है, फादर का नेम क्या है, फिर उनका मतलब उनका बिजनेस क्या है एंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देना रहेगा, जैसे कि उन्होंने कितना स्टडी किया है,